और गाइस क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, फ्रीजा का एक सोल्जर फ्रीजा को बताता है कि आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा के पास हो सकता है और उस आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल के लिए फ्रीजा किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए फ्रीजा और फ्रीजा की आर्मी यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा के पास पहुंच जाती है और जैसा कि हमने देखा, फ्रीजा यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा के सामने खड़े रहता है और फिर फ्रीजा चांपा से कहता है, यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैंने सुना कि आपके पास एक सुपर ड्रैगन बॉल है, तो क्या आप मुझे वो सुपर ड्रैगन बॉल दे सकते हैं? और फ्रीजा की इस बात पर चांपा कहता है, हे सुनो, तुम होते कौन हो जिसे मैं सुपर ड्रैगन बॉल दे दूं? और मैंने तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा और तुम दिखने में फ्रॉस्ट भी नहीं लगते, तुम हो कौन आखिर? और चांपा की इस बात पर बारडोस चांपा से कहती है, माय लॉर्ड चांपा, क्या आप भूल गए, ये यूनिवर्स 7 का कंटेस्टेंट है। आखिरी बार हमने इसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था, लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर ये मॉर्टल यूनिवर्स 7 से यूनिवर्स 6 तक की दूरी को तय करके यहाँ तक कैसे आ गया। और वार्डोस चांपा से इतना कहती है कि तभी फ्रीजा वहाँ खड़े रहकर कहता है, मुझे वो आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फ्रीजा की इस बात पर चांपा हैरान होकर कहता है, क्या कहा तुमने, आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल? इसका मतलब तुम्हारे पास पहले से ही सारे ड्रैगन बॉल्स मौजूद है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? और चांपा की इस बात पर फ्रीजा कहता है, नहीं नहीं, सुनने में कोई गलती हुई होगी, मेरे पास कोई भी सुपर ड्रैगन बॉल नहीं है। और फ्रीजा की इस बात पर चांपा कहता है, ओए सुनो, तुम्हें यहाँ पर कोई सुपर ड्रैगन बॉल नहीं मिलने वाला, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और चांपा की इस बात पर फ्रीजा कहता है, यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम्हारे पास जो सुपर ड्रैगन बॉल है वो सीधे सीधे मेरे हवाले कर दो। और फ्रीजा की इस बात पर चांपा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम होश में नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और अपने इस सुपर ड्रैगन बॉल वाले सपने को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और चांपा की इस बात पर फ्रीजा कहता है, मैंने तुमसे पहले अच्छे से बात किया, लेकिन तुमने हर बार मेरी बात को इनकार किया, लेकिन अब मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने मुझे सीधे सीधे सुपर ड्रैगन बॉल नहीं दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूँ, उस सुपर ड्रैगन बॉल के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और फ्रीजा की इस बात पर चांपा कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और क्या तुम उस सुपर ड्रैगन बॉल के लिए एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी मुझसे लड़ भी सकते हो? और चांपा की इस बात पर फ्रीजा कहता है, पता नहीं किसने तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया। और फ्रीजा इतना कहता ही है कि तभी चांपा एक हमला बनाते हुए कहता है, मैं अभी तुम्हें ठिकाने लगा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिसरिस्पेक्ट करने का कितना बुरा अंजाम होता है। और चांपा इतना कहता ही है कि तभी वार्डोस चांपा को रोकते हुए कहती है, माय लॉर्ड चांपा, आपको सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और हो सकता है कि आपको इसी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़े। और वार्डोस की इस बात पर चांपा कहता है, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है वार्डोस, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद चांपा फ्रीजा के पास बहुत ही तेजी से पहुंच जाता है और फ्रीजा को एक बहुत ही तेज पंच कर देता है, जिसकी वजह से फ्रीजा पहाड़ों पर टकराते हुए बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन फ्रीजा तुरंत जमीन से उठते हुए चांपा से कहता है, बहुत अच्छे, मैं यही चाहता था, तुमने शुरू किया, खत्म मैं करूँगा। और इतना कहते हुए फ्रीजा अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और अपने ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फ्रीजा की इस ताकत को देखकर वार्ड और चांपा से कहती है, माय लॉर्ड चांपा, संभल कर, इसकी ताकतें पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और वार्डोज इतना कहती ही है कि तभी चांपा इग्नोर करते हुए फ्रीजा पर एक बहुत ही तेज पंच करने निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीजा अपने ब्लैक फॉर्म में बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहता है,
और जैसे ही चांपा फ्रीजा पर एक पंच करने वाला होता है, उसके पहले ही ब्लैक फ्रीजा चांपा के पेट में एक बहुत ही तेज पंच करता है। और फ्रीजा के इस पंच में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि चांपा को दर्द का सामना करते हुए फ्रीजा से दूर होना पड़ता है। और फिर चांपा फ्रीजा से कहता है, मैंने तुम्हें कम समझने की गलती कर दी, लेकिन मैंने अभी अपनी कोशिशों को शुरू भी नहीं किया है। और इतना कहने के बाद चांपा अपनी ताकतों को बढ़ाने लगता है और हकाई शिन की पावर का इस्तेमाल करता है। और पलक झपकते ही चांपा फ्रीजा पर एक बहुत ही तेज पंच करता है। और चांपा को देखकर फ्रीजा भी तुरंत पंच करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस आपस में टकरा जाते हैं। और ये देखकर चांपा चिल्लाकर कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम मेरी इस ताकत की बराबरी कैसे कर सकते हो। और इतना कहने के बाद चांपा और फ्रीजा के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और चांपा और ब्लैक फ्रीजा की इस फाइट को देखकर वार्डोस मनीमन कहती है, जब ये मॉर्टल इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो इससे सुपर ड्रैगन बॉल की आखिर क्या जरूरत है। मैंने आखिरी बार जब इस मॉर्टल को देखा था तो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। यकीन नहीं आता है कि इतने कम समय में कोई मॉर्टल इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। और इतना कहने के बाद वार्डोस मनीमन आगे कहती है, हालांकि लॉर्ड चांपा अभी भी अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस फाइट पर नजर रखनी होगी ताकि मैं किसी भी सिचुएशन को संभाल सकूं। और मैं उम्मीद करती हूं कि इसके इतना ज्यादा ताकतवर होने के बारे में विस को अच्छी तरह से पता होगा। और वार्डोस मनीमन इतना कह रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि ब्लैक फ्रीजा चांपा पर भारी पड़ रहा होता है। और फिर ब्लैक फ्रीजा अचानक से चांपा पर एक बहुत ही तेज लात मारता है, जिसकी वजह से चांपा जमीन पर जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि ब्लैक फ्रीजा थोड़ा सा थका हुआ होता है, लेकिन तभी चांपा फ्रीजा से कहता है, मुझे लगता है कि बेशर्म होकर तुम जैसे मॉर्टल के लिए मुझे अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को बाहर लाना होगा, जबकि ये रूल के खिलाफ है, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और इतना कहने के बाद चांपा अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि हकाई शिन के सिंबल आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद चांपा की बॉडी पर वो हकाई शिन के सिंबल आ जाते हैं। और फिर चांपा अपने एक हाथ से एक हकाई एनर्जी बॉल तैयार करता है और फ्रीजा पर कर देता है। और हकाई शिन एनर्जी बॉल को आते देखकर फ्रीजा अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। और इससे पहले हकाई एनर्जी बॉल फ्रीजा तक पहुंच पाता, लेकिन फ्रीजा अपने एक हाथ से उस हकाई एनर्जी बॉल को पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से चांपा के उस हकाई एनर्जी बॉल को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हकाई एनर्जी बॉल को डीएक्टिवेट करने के बाद फ्रीजा थोड़ा सा थक जाता है। और ये देखकर चांपा फ्रीजा से कहता है, ये तुमने कैसे किया? आज तक मैंने सिवाय गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अलावा ऐसा करते हुए किसी मॉर्टल को नहीं देखा। और चांपा इतना कह रहा होता है, लेकिन तभी ब्लैक फ्रीजा एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट बनाते हुए कहता है, अब मेरे इस हमले का सामना करके दिखाओ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और फ्रीजा इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि चांपा अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। और अपने आप को नॉर्मल बेस फॉर्म में देखकर चांपा हैरान होकर कहता है, अरे ये सब अचानक क्या हो गया, मैं अचानक से नॉर्मल क्यों हो गया। और चांपा अपने आप को देखकर इतना कह रहा होता है कि तभी ब्लैक फ्रीजा अपने उस बड़े से हमले को करने वाला होता है, लेकिन तभी चांपा ब्लैक फ्रीजा को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, तुम्हें वो सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए, तुम उसे ले जा सकते हो। और चांपा की इस बात को सुनकर फ्रीजा अपने उस बड़े से हमले को रोक देता है। और फिर फ्रीजा चांपा से कहता है, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारी अक्ल सही वक्त पर ठिकाने आ ही गई। और फिर फ्रीजा चांपा से इतना कहता ही है कि तभी फ्रीजा का एक सोल्जर फ्रीजा से कहता है, माय लॉर्ड फ्रीजा, वो आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल यहाँ पर कहाँ है, हमने पता कर लिया है, हमारे साथ आ जाइए। और उस सोल्जर के इतना कहने के बाद फ्रीजा चांपा से जाते हुए कहता है, इन सारी चीजों को एक सपना समझकर भूल जाना, नहीं तो रातों रात नींद नहीं आएगी। और इतना कहने के बाद फ्रीजा हंसते हुए अपने सोल्जर के साथ उस आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल को लेने के लिए वहां से चला जाता है। और वहां से फ्रीजा के चले जाने के बाद चांपा वार्डोस से कहता है, वार्डोस तुम्हें पता है आखिरकार मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया। और चांपा की इस बात पर वार्डोस कहती है, ऐसा इसीलिए हुआ माय लॉर्ड चांपा, क्योंकि आप न्यूट्रिशन से भरा खाना नहीं खाते हैं और ना ही कभी ट्रेनिंग करते हैं।
और यही वो वजह है कि आप अपनी हकाईशिन की पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। और वाडोस के इतना कहने के बाद चांपा वाडोस से कहता है, ये सब तो ठीक है वाडोस, लेकिन क्या तुमने वो सुना था? उसने एक बार कहा था कि उसे वो आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसके पास सभी सुपर ड्रैगन बॉल इस वक्त मौजूद है। और चांपा की इस बात पर वाडोस कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने भी उसके मुंह से सुना था कि उसे आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए। और वाडोस की इस बात पर चांपा कहता है, इससे पहले कि वो अपनी भयानक इच्छा को सुपर शेनरॉन से पूरी करे, हमें इस बारे में ग्रैंड प्रीस्ट को बताना होगा, नहीं तो पूरे मल्टीवर्स के लिए कोई बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और चांपा की इस बात पर वाडोस कहती है, ठीक है माय लॉर्ड चांपा, चलिए चलते हैं ज़ेनोसामा के पैलेस पर। और इतना कहने के बाद वाडोस और चांपा ज़ेनोसामा के पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। तो गाइज, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये यामोशी द सुपर सैन गॉड कहाँ पर है। तो देखो, यामोशी को इसीलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि अभी यामोशी के लेवल के विलेंस नहीं है, और यामोशी द सुपर सैन गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए जब यामोशी आएगा तो फिर यामोशी के जैसे ताकतवर विलेंस भी आएंगे। और यामोशी इस वक्त अभी भी मल्टीवर्स के बाहर है और वो इंतजार कर रहा है कि गोकू और ज्यादा स्ट्रांग बन जाए, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यामोशी से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर एक डेविल सेयन है। तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू, और तब तक के लिए